नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली जोनल यूनिट ने दिल्ली व मुंबई में छापा मार, दो महिला समेत 5 इथोपियाई ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार कर ट्रांसनेशनल ड्रग सिंडिकेट के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आपको बताएं, एनसीबी का दावा है कि इनके कब्जे से 50 करोड़ मूल्य की 7 कोकेन बरामद की गई है। वही बरामद कोकेन इथोपिया से भारत लाई गई थी, जिससे दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, हरियाणा व कर्नाटक में आपूर्ति की जानी थी। वही एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक इस सिंडिकेट का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। मुंबई और दिल्ली को इन्होंने पहले अपना ठिकाना बना रखा था। गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम ने पहले पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में एक घर पर छापा मारा, वहां से एक महिला को गिरफ्तार कर ट्रॉली बैग जब्त किया। वहीं बैग से 5 किलो कोकेन बरामद हुई। पूछताछ और डिजिटल फुटप्रिंटिंग के आधार पर एनसीबी की टीम ने मुंबई के एक होटल में छापा मारा और वहां से सिंडिकेट के 2 पुरुष सदस्यों को गिरफ्तार किया। उन्होंने ही तिलक नगर में रहने वाली महिला को कोकेन रखने वाला ट्रॉली बैग दिया था। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।